आज हम लोग बात करेंगे पांच ऐसे फूड्स के बारे में जो यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकता है। यूरिक एसिड होता क्यों है? यूरिक एसिड होने पर हमारे शरीर में इसका क्या असर पड़ता है? और यूरिक एसिड एक बार अगर हो जाए तो आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है? दोस्तों, यूरिक एसिड हमारे शरीर का एक वेस्ट प्रोडक्ट है, प्यूरिन नामक एक किस्म का केमिकल जो हमारे शरीर में पैदावार भी होती है और बाहर के खान पान में होता है। प्यूरिन टूटकर यूरिक एसिड बनते हैं। अगर किसी कारण के वजह से आप प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, कई ऐसे खान पान है जैसे अल्कोहल, रेड मीट, फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, इसके अलावा सी फूड, किसी भी तरह का सी फूड अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो आपके शरीर में प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होगी और वही प्यूरिन टूट कर धीरे धीरे करके यूरिक एसिड बनते हैं। यूरिक एसिड हमारे पूरे शरीर के गांठ में जमने लगते हैं और क्रिस्टल का आकार में फॉर्म करता है, जिसके वजह से गठिया यानी बात होती है। इसके अलावा किडनी में अगर क्रिस्टल फॉर्म हो तो किडनी में पथरी भी होती है। तो एक बार अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो आपको उम्र भर कंट्रोल करके रखना है, चाहे वो खान पान के द्वारा हो या आपको अगर दवाई भी लेना पड़े तो लेना पड़ेगा। तो कौन सा ऐसे पांच फूड है जो आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को कंट्रोल में रखता है? सबसे पहला चीज़ है ग्रीन टी। ग्रीन टी अमूमन हम लोग पीते हैं अपना वजन को कम करने के लिए, क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही इसमें एक किस्म का ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसका नाम है कैथीचिन। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में जब प्यूरिन टूटकर यूरिक एसिड बनते हैं उस प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है, जिससे आपके शरीर में धीरे धीरे करके यूरिक एसिड की मात्रा कम होती है। तो आप सुबह और शाम जरूर ग्रीन टी पिए। दूसरा चीज़ है फाइबर रिच फूड। कोई भी फाइबर रिच फूड आप खा सकते हैं, जैसे कि ओट्स मील, होल ग्रेन, कई तरह का सब्जी, फल, जिसमें भी फाइबर की मात्रा ज़्यादा होगी वो आपके शरीर से यूरिक एसिड को फ्लाश आउट करके पेशाब के द्वारा निकाल देता है। तो फाइबर रिच फूड अगर आप अपने डाइट में शामिल करेंगे तो आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा कंट्रोल में रहेगी। तीसरा चीज़ है वाटर यानी पानी। पानी हर किसी को सलाह दी जाती है पीने के लिए। पानी हमारे सेहत के लिए बेहद फायदे की चीज़ है। पानी हमारे शरीर से टॉक्सिन को रिलीज़ करता है और पानी हमारे शरीर को हाइड्रेट भी करता है। साथ ही पेशाब भी ज़्यादा होता है, लेकिन पेशाब के साथ साथ यूरिक एसिड निकल जाते हैं। इसीलिए अगर आपको यूरिक एसिड की मात्रा को संतुलन में रखना है तो आप हर दिन 10 से 12 ग्लास जरूर पानी पिए। चौथा चीज़ है बेरीज। किसी भी किस्म का बेरी हो, चाहे वो स्ट्रॉबेरी हो, ब्लूबेरी हो या कैनबेरी, इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होने के कारण यह आपके शरीर से टॉक्सिन को रिलीज़ करता है, साथ ही यूरिक एसिड की मात्रा को भी कम करता है। इसमें फाइबर की मात्रा भी होते हैं जो आपका यूरिक एसिड को फ्लाश आउट करने में मदद करता है, इसीलिए आप कोई भी बेरी ज़रूर खाए। और पांचवा चीज़ है कैरोट यानी गाजर। गाजर सिर्फ आपकी आँखों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है बल्कि आपके शरीर से टॉक्सिन रिलीज करता है। अगर आप सुबह गाजर का जूस पीते हो तो आपके शरीर से टॉक्सिन रिलीज होने के साथ साथ आपके शरीर से यूरिक एसिड भी रिलीज होते हैं, जिसके कारण यूरिक एसिड की मात्रा संतुलन में रहता है। तो आप ज़रूर इन सब चीज़ों को खाए। अब हम लोग बात करेंगे आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा अगर ज़्यादा है तो कौन सी चीज़ आपको नहीं खाना चाहिए और कौन सी चीज़ आपको खाना चाहिए। तो यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होने पर आप शराब ना पिए, आप रेड मीट ना खाए, आप कोई भी कॉर्न सिरप ना पिए यानी मीठा आप कम खाए। और साथ ही कुछ ऐसे साग सब्जी है जैसे कि पालंग और कुछ बीज जाती ऐसे सब्जी होते हैं जैसे कि टमाटर, चिली, ये सब का बीज छोड़कर आप उसे खा सकते हैं, क्योंकि इसमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है जिससे आपका यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।